अगर आप हमारे सवालों का जवाब देंगे तो आपको इसमें से एक चॉकलेट गिफ्ट दिया जाएगा। ताजमहल कहाँ पे है इस समय? बुर्ज खलीफा। आपका राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। कमल। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी? मोर। मोर। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जोहाला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आज किस नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज ये ब्लॉग बहुत अलग होने वाला है क्योंकि आज हम बच्चों से सवाल करेंगे और जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उन्हें ये गिफ्ट देंगे। तो चलिए देखिए, बाबू क्रिकेट खेलने रुकिए, बाबू पहले रुकिए रुकिए। कितने पढ़ते हैं आप? दूम पढ़ते हैं। पहले इनसे सवाल करेंगे। अच्छा, हम आपसे एक सवाल करेंगे, अगर आप हमारे सवालों का जवाब देंगे तो आपको इसमें से एक चॉकलेट गिफ्ट दिया जाएगा। जवाब देंगे? हाँ। तो आप ये बताइए, लाल किला कहाँ पर है? लाल किला? हाँ, दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ। देखिए बच्चा एकदम सही जवाब दे दिया, दिल्ली में। दूम पढ़ते हो लेकिन इतना नॉलेज कहाँ पढ़ते हो बाबू? ठूठी बारी, जो कि हमारे एरिया का सबसे भारी स्कूल है। अच्छा, एक सवाल और आपसे हम जानना चाहते हैं, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। वाह, क्या बात है। दूम पढ़ते चलिए, आपको हम एक गिफ्ट देते हैं बाबू इस सवाल के लिए। दीजिए, वैसे ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए तो हम चल रहे किसी और बच्चे सवाल कर ले, ठीक है? खेलिए आप अपना क्रिकेट। आप तो चलिए आप किसी और बच्चे सवाल करते हैं। देखिए बच्चा एकदम अच्छा से सवाल का जवाब दिया है, दो में ऐसे सवाल किया दोनों एकदम अच्छे से जवाब दिया, तो चलिए किसी और बच्चे के पास चलते हैं। चलिए बच्चों से सवाल करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे हैं। तो चलिए बाबू, हम आप लोगों से एक सवाल करेगा, अगर आप हमारे सवालों का जवाब देंगे तो आप लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? और देखिए वो भाग रहा है पहले। कहे जी, कहाँ जा रहे हो? सब भाग जा रहे हैं, पता नहीं क्या सोचकर। गजब बेइज्जती है। चलिए अब दूसरे बच्चे से पूछते हैं, देखिए सामने आ रहे हैं लोग। अच्छा बाबू, हम आपसे सवाल करें, हमारे सवालों का जवाब दोगे तो आपको गिफ्ट दिया जाएगा। सवाल करें आपसे, देखिए कह रहा हूँ। तो अच्छा बताइए, भारत के प्रधानमंत्री इस समय कौन है? मोदी। हाँ। और ये बताइए, क्या बोलते हैं, ताजमहल कहाँ पे है इस समय? बुर्ज खलीफा। क्या बोला तूने? बुर्ज खलीफा। नहीं यार, ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। चीटिंग 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 करता है तू। आगरा में, देखिए सही जवाब दे दिया। अब बाबू तुम बताओ। बताओ भी। तो चलिए इनसे भी सवाल करते हैं, हमारे सब सवालों का जवाब दे दिए, इनको भी हम गिफ्ट देंगे, पहले इनसे आप सवाल कर लेंगे। तो चलिए आप बताइए। अच्छा बताइए, लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। और ये बताइए, क्या बोलते हैं, और आपसे कौन सा सवाल करें हम, कैसा भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। कमल। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी? मोर। मोर। 7 करोड़। वाह, क्या बात है यार, सब बच्चे सवालों का जवाब दे दिए हमारे। चलिए आप गिफ्ट देते हैं बाबू। कहाँ गया? गाड़ी पढ़ने वाले हैं। कहाँ आप पढ़ते हो बाबू? उर्दू और हिंदी। देखिए बच्चा उर्दू पढ़ता है, और आप कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी में। आप पढ़ने में बहुत तेज है बाबू, आप भी लीजिए। तो देखिए बच्चे सब मेरे सवालों का जवाब दे चुके हैं, हम खुद थोड़ा हिचकिचा जा रहे हैं सवाल करने में, कौन सा इन लोगों से सवाल करें, छोटे बच्चे हैं वो, ऐसा ही मैं सवाल कर रहा हूँ। तो चलिए किसी और बच्चे से आप सवाल करते हैं। भैया हमारा यूट्यूब चैनल सर्च कर रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए, तो चलिए लिखिए मदीन नदीम शो सर्च बॉक्स में, लाइए हम लिख दे रहे हैं। तो चलिए देखिए, हम अपना चैनल सब्सक्राइब कर दे रहे हैं सर्च मार के, आप हमारा वीडियो डेली देखेंगे। चलिए ठीक है, तो थोड़ा इनको भी हमारी तरफ से गिफ्ट दे दीजिए निकाल कर। इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं? इंस्टाग्राम अभी उतना, इंस्टाग्राम पे हम नहीं एक्टिव रहते हैं, यूट्यूब पे और फेसबुक पे। तो देखिए इनको भी हम दे दे रहे हैं चॉकलेट भाई को, ठीक है? तो चलिए देखिए, जा रहे हैं किसान है भाई, हम लोग किसान है। देखिए मशीन लेकर जा रहे थे पानी चलाने के लिए, देखिए यहाँ पे वाटर पंप है, यहाँ पे भाई जा रहे हैं अपने काम पे, अब हम भी चल रहे हैं किसी और बच्चे से सवाल करने। तो चलिए बाबू आपसे हम सवाल करते हैं। अच्छा बताइए, इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अरे यार, नरेंद्र मोदी तो भारत के प्रधानमंत्री है ना, मुख्यमंत्री होता है जो उत्तर प्रदेश राज्य को संभालता है। योगी। बताइए। चलिए ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं। अच्छा बताइए, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? आप छोटे हैं, आपसे छोटा सवाल। कमल। कमल। देखिए बच्चा जवाब दे दिया है, अभी छोटे हैं सब इसको। तो चलिए कुछ और हम आपसे सवाल करते हैं। अच्छा बताइए, भारत में कितने राज्य हैं? मैं नहीं बताऊंगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चलिए ठीक है, दूसरा आपसे हम सवाल करते हैं। देख तो कैसे
सर मारा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो चलिए छोटे बच्चे हैं इसलिए छोटा छोटा सवाल घुमा फिरा करके हम इन सब से पूछ रहे हैं। चलिए आपको हम गिफ्ट देते हैं, कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कितने पढ़ते हैं आप? तो चलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी में या फिर प्राइवेट में? तो चलिए तो देखिए बच्चा कुछ सवाल का जवाब नहीं दे पाया लेकिन और सवाल का जवाब दे पाया है क्योंकि बाबू हम सवाल कर रहे हैं। बच्चे पता नहीं क्यों भाग रहे हैं सवाल करने पे, यार शर्मा रहे हैं सब लगा के। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा भीड़ लगा हुआ है, यहाँ पे कितने सारे बच्चे बोल रहे हैं सब सवाल करने के लिए, कितने नहीं सवाल करें बाबू? देखिए बोल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं किसी और जगह पे, वहाँ पे बच्चों से सवाल करते हैं। हम लोग चल रहे हैं दूसरे जगह पे, देखिए बहुत सारे यहाँ पे बच्चे थे, बहुत लोगों से सवाल किया हूँ, बहुत लोगों से नहीं। तो चलिए अब दूसरे बच्चे से सवाल करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे मछली मार रहे हैं, आपको दिखा देते हैं। देखिए पीछे बाबू आओगे, अगर आप हमारे सवालों का जवाब दोगे तो हम आपको गिफ्ट देंगे। जवाब दोगे तो आइए यहाँ पे ऊपर आइए। देखिए बच्चा मछली मार रहा है यहाँ पे। अच्छा बताओ एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। देखिए एकदम बच्चा वेल्डन हो गया है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हाला चलिए ठीक है छोड़िए। अच्छा बताइए क्या बोलते हैं भारत का संविधान किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू। चलिए ठीक है सबसे आसान सवाल हम आपसे कर रहे हैं। अच्छा बताइए भारत का राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत का राजधानी नई दिल्ली बताया आप लोग बताइए। हाँ एकदम सही जवाब दिया, एकदम आसान सवाल कर रहे हैं। अच्छा बताइए भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। तो चलिए हम आपसे सवाल यही बंद करते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं आप बता नहीं पा रहे हैं सवालों का जवाब। तो ठीक है हम आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं, चलिए बच्चे को गिफ्ट दिया जाए लेकिन आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपको पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। कितने पढ़ते हैं? 3। अच्छा 3 में पढ़ता है, फिर भी यार 3 के हिसाब से आपके पास नॉलेज कम है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कहाँ पढ़ते हैं? चलिए ठीक है। तो चलिए दोस्त देखिए बच्चा से सवाल किए हैं, कुछ सवालों का जवाब दिया कुछ सवालों का नहीं। चलिए दोस्त इस वीडियो को यही एंड करते हैं, जो बच्चा है कुछ सवालों का जवाब दिया कुछ सवालों का नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अब आने वाला वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सोशल एक्सपेरिमेंट बच्चों के साथ कि बच्चे क्या लेना पसंद करेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं दोस्त। अब हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।